जो हमारी जो शंकर प्रेरी है पर्वत सर में, उसमें आप देख रहे हैं सारे कांग्रेसियों में बहुत ज़्यादा जुनून है। और ये कांग्रेसियों का ही जुनून नहीं, हमारे पूरे राजस्थान के लोगों का जुनून है, अजमेर के लोगों का जुनून है। और आप देखिएगा ये जोश और जुनून आने वाले विधानसभा के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है उससे सभी वर्ग सभी लोग दुखी हो चुके हैं और चाहते हैं कि जैसे ही एक बार चुनाव आएंगे विधानसभा के और ये इनको मजा चखाएंगे। क्योंकि बीजेपी वालों ने जिस तरह से बीजेपी ने जो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे और उसके हिसाब से वो एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं, तो क्या युवा वर्ग, क्या महिला वर्ग, क्या मजदूर वर्ग, क्या कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग उनसे नाराज़ है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सारे वर्ग मिल करके कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे और बीजेपी का तख्ता ज़रूर पलटेंगे। हम लोगों के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके सामने हैं, कैमरे के सामने हैं, और भी आ रहे हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एक साथ ही जाएंगे। आज नागौर के पर्वत सर के अंदर संकल्प रैली जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब और हमारे शीर्ष नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे जी, श्री अशोक गहलोत साहब, विवेक बंसल जी, काजी साहब, रामेश्वर डूडी जी, सभी बड़े नेता उस रैली के अंदर आ रहे हैं। तो अजमेर से जो हमने यहाँ टारगेट दिया था उस टारगेट के तहत हमारे यहाँ से करीब 60 बसें यहाँ से जो है रवाना हो रही हैं और अपने छोटी गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में उन्होंने जा रहे हैं। करीब 4000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे पर्वत सर के लिए अजमेर शहर से यहाँ से रवाना हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है वहाँ एक अजमेर ज़िले से बहुत वहाँ से लोग इस रैली में भाग लेंगे। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर और जो है आगामी समय के लिए एक जो है उनको सरकार को चेतावनी है कि जिस तरह आप गौरव यात्रा निकाल रहे हो और लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तो इस संकल्प यात्रा और कार्यकर्ता संकल्प यात्रा के आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर होगी और कांग्रेस का परचम राजस्थान के अंदर फहराएगी।